हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूं राज दोस्तों। और जैसे कि दोस्तों 2020 और 21 का बजट जो है वो पेश किया जा चुका है, और बजट से रिलेटेड दोस्तों एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन हमें जो है जो आगे हमारे एग्जाम होने वाले हैं उनमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों बजट से रिलेटेड हमने जो है 50+ क्वेश्चन आज जो है अपडेट किए हैं, जो एग्जाम के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों वीडियो को अभी से एक लाइक जरूर कर दें। बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, 2020-21 बजट में कितने करोड़ रुपए का इस बजट के अंदर जो है प्रावधान किया गया है। राइट ऑप्शन दोस्तों इसका रहेगा हमारा ऑप्शन ए। सिंपल लैंग्वेज में हम याद करेंगे 142-344। दोस्तों याद रखने के लिए है 142-344 करोड़ रुपए का जो है इस बजट के अंदर 2020-21 बजट के अंदर जो है वो प्रावधान किया गया है। राइट ऑप्शन दोस्तों ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2020-21 बजट में सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। सर्वाधिक ध्यान की बात की गई दोस्तों, वैसे तो दोस्तों ध्यान सभी चीजों के अंदर दिया गया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा सी। शिक्षा पर दोस्तों सबसे ज्यादा जो ध्यान जो है वो दिया गया है। इसमें दोस्तों कितने करोड़ रुपए दिए गए हैं वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए बजट 2020-21 में कहां मेडिकल स्कूल खोले जाएंगे। राइट ऑप्शन दोस्तों है हमारा ऑप्शन डी। उपरोक्त सभी कैथल, यमुनानगर और सिरसा दोस्तों इन जगहों के अंदर जो है नए मेडिकल जो है स्कूल खोले जाएंगे, मेडिकल कॉलेज जो है बनाए जाएंगे। 3 दोस्तों मेडिकल कॉलेज की जो है उद्घोषणा इसके अंदर बजट 2020-21 के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2020 बजट के अनुसार कहां पर नया रेलवे जंक्शन बनेगा। रेलवे जंक्शन की दोस्तों बात की गई है। राइट ऑप्शन है हमारा सी। पांडू पिंडारा के अंदर दोस्तों एक नया रेलवे जंक्शन बनाने की भी उद्घोषणा जो है इस बजट 2020-21 के अंदर की गई है। यह भी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। जो जींद के पांडू पिंडारा में जो नया बनाया जाएगा यह जंक्शन दोस्तों जींद पानीपत, जींद रोहतक और जींद सोनीपत रेलवे लाइन के साथ जो है जुड़ेगा, और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों पूछा भी जा सकता है। और यहां पर दोस्तों अलग अलग जगह अंडर ब्रिज व ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट से पहले प्री बजट चर्चा कहां पर की गई। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने पिछली वीडियो में भी कवर किया था, और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि आज तक विधानसभा के अंदर जो है प्री बजट की चर्चा होती है सभी के साथ मिलकर, चाहे हमारे सांसद है, एमएलए हैं, जितने ही भी हैं उनके साथ मिलकर दोस्तों ये चर्चाएं की जाती है। लेकिन अब की बार दोस्तों राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी। रेड बिशप के अंदर दोस्तों प्री बजट चर्चा जो है वो शुरू की गई थी। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो दोस्तों शिक्षा का क्षेत्र सबसे पहले रखा गया है, और शिक्षा में दोस्तों वैसे अगर हम दिल्ली का अगर सिस्टम देखें तो उस टाइप की शिक्षा हरियाणा के अंदर लागू होने चाहिए, उस टाइप के जो सरकारी स्कूल है वो बनाए जाने चाहिए, ठीक है। तो इस बात के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जब शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो हर डिपार्टमेंट, हर स्तर, चाहे वो कृषि से जुड़ा हुआ है, चाहे दोस्तों हमारी चिकित्सा से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, तो वो अपने आप जो है तरक्की करेगा। तो शिक्षा का स्तर सुधारना सबसे पहला कार्य रहना चाहिए, और इस बजट की दोस्तों यही खास बात रही है, शिक्षा के क्षेत्र को जो है वो ध्यान में ज्यादा रखा गया है। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 15% दोस्तों शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी सब्जी मंडियों में महिला व किसानों के लिए कितना आरक्षण दे होगा। दोस्तों आरक्षण जो है महिला जो किसानों के लिए जो अलग से आरक्षण दिया जाएगा वो रहेगा ऑप्शन हमारा डी, 10% का दोस्तों आरक्षण मंडियों में महिला व किसानों के लिए जो है आरक्षण दे किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए बजट के अनुसार अब किसानों को कितने रुपए बिना ब्याज के सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाएंगे। चाहे दोस्तों सहकारी बैंक है, चाहे राष्ट्रीयकृत बैंक है, दोस्तों राष्ट्रीयकृत बैंक भी इसके अंदर ऐड किया गया है, ठीक है। दोनों बैंकों के द्वारा जो है मुफ्त जो है ब्याज मुक्त लोन दिया जा सकता है किसानों को। अब दोस्तों राष्ट्रीयकृत बैंक और सहकारी बैंक बिना ब्याज 3 लाख रुपए तक दोस्तों कर दिया जा सकता है, और यह कर दोस्तों प्रति एकड़ 60,000 रुपए के हिसाब से होगा, ठीक है, प्रति एकड़ 60,000 रुपए के हिसाब से होगा। और दोस्तों हालांकि उसके लिए 3 बड़ी शर्तें और भी जोड़ी गई है, जिसमें समय पर लोन अदायगी और दोस्तों पोर्टल पर फसल का ब्यौरा, लोन अदायगी, फसल खरीदे एजेंसी जैसी इसमें दोस्तों है जो है ये कंडीशन जो है वो लगाई गई है, जो हमें कवर करनी जरूरी है। राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा, 3 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का पिछला बजट था। तो पिछले बजट दोस्तों देखें तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, पिछला बजट भी। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 132 लाख करोड़ रुपए का दोस्तों पिछला बजट था, और अब कितना अधिक आप माइनस करके चेक कर सकते हो। हम क्वेश्चन इसमें बढ़ाएंगे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने खंडों में एक एक नया मॉडल संस्कृति वरिष्ठ, ठीक है दोस्तों, माध्यमिक विद्यालय बनेगा। संस्कृति मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ऐसे भी दोस्तों इसको हम पढ़ सकते हैं। राइट ऑप्शन रहेगा हमारा
ऑप्शन डी दोस्तों 80 खंडों के अंदर जो है एक एक नया मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जो है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सभी बड़ी मंडियों के लिए कदम उठाया गया इस बजट के अनुसार दोस्तों 2020-21 बजट के अनुसार जो है ये कदम उठाया गया है, तो राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन ए, क्रॉपडेयर दोस्तों मंडियों के अंदर जो है बनाए जाएंगे। ठीक है, सभी जो बड़ी बड़ी मंडियां हैं, छोटी मंडियों के अंदर बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, बड़ी मंडियों के अंदर जो है क्रॉपडेयर जो है वो लगाया जाएगा। ये कदम दोस्तों 2020-21 बजट के अंदर जो है उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितनी मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जाएगा, राष्ट्रीय कृषि बाजार की बात की गई है दोस्तों, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 54 मंडियों को दोस्तों राष्ट्रीयकृत जो कृषि बाजार है उसके साथ ऐड किया जाएगा। बढ़ लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावासों में एससी छात्राओं के लिए फीसदी सीटें आरक्षित होती, कितने फीसदी दोस्तों सीटें जो है इस बजट के अनुसार आरक्षित होगी, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 20% सीटें जो है दोस्तों छात्रावासों में एससी के लिए जो है वो निर्धारित की गई है, आरक्षित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, खिलाड़ियों का खुराक बता रुपए होगा, खुराक बता भी दोस्तों वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है और हमें कवर करना जरूरी है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 250 रुपए का दोस्तों खिलाड़ियों को भी जो है खुराक बता दिया जाएगा, यानी दोस्तों खिलाड़ियों के क्षेत्र को भी जो है इस बजट में ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेडिकल की पढ़ाई में एमबीबीएस की सीटें बढ़कर कितनी कर दी गई है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी, 1710 सीटें दोस्तों आप बढ़ाकर कर दी गई है, बात कर रहे हैं मेडिकल एमबीबीएस की स्टडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए बजट के अनुसार जैविक खेती के लिए कितने एकड़ का विस्तार लक्ष्य रखा गया है, दोस्तों जैविक खेती के लिए जो है ये विस्तार लक्ष्य रखा गया है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन सी, 3,00,000 एकड़ की जमीनों तक दोस्तों खेती तक जो है जैविक खेती के लिए जो है ये लक्ष्य रखा गया है कि जैविक खेती बनाने के लिए, तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों यहां से भी उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए बजट के अनुसार किन विद्यार्थियों को निःशुल्क यातायात सुविधा दी जाएगी, ऑप्शन बी दोस्तों राइट रहेगा, विज्ञान से रिलेटेड विद्यार्थियों को निःशुल्क यातायात जो है सरकार 2020-21 बजट के अनुसार मुहैया करवाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान योजना का दायरा 1,20,000 वार्षिक से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, ऑप्शन राइट रहेगा हमारा ए, 1,80,000 कर दिया गया दोस्तों, यानी दोस्तों इनका दायरा पहले 1,20,000 था, ठीक है वार्षिक, और दोस्तों इसको अब बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए बजट के अनुसार कितने प्ले वे स्कूल खोले जाएंगे, प्ले वे स्कूल की दोस्तों बात की गई है, ऑप्शन राइट रहेगा हमारा डी, 4,000 दोस्तों नए स्कूल हरियाणा के अंदर, ठीक है बच्चों के लिए जो है प्ले स्कूल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों रिप्लाई करना है, रामविलास शर्मा, ज्ञान चंद शर्मा, मनोहर लाल खट्टर, नील विज, नहीं बताया जाएगा ये क्वेश्चन दोस्तों आपको, ठीक है, तो जिन्होंने बजट पेश किया है, ठीक है पहली बार टेप से दोस्तों पेश हुआ बजट, पहली ही बार प्रदेश में बतौर वित्त मंत्री सीएम ने सदन में रखा, तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों आपको इसका रिप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 बजट के अनुसार मुख्यमंत्री ने कितने महत्वपूर्ण व बड़े कार्यों को बतलाए हैं, दोस्तों इस बजट में कितने जो है महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए हैं वो इसमें बताना है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन सी, 4 महत्वपूर्ण मुद्दे दोस्तों इसके अंदर रखे गए हैं, वो मुद्दे भी दोस्तों पूछे जा सकते हैं, ठीक है हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और दोस्तों सुरक्षा और स्वावलंबन, ये 4 मुद्दे दोस्तों मनोहर सीएम लाल के द्वारा जो है रखे गए हैं, सबसे पहले स्तर पर दोस्तों शिक्षा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस त्यौहार पर नया रोजगार पोर्टल शुरू होगा, किस त्यौहार पर नया रोजगार जो पोर्टल शुरू किया जो इसी बजट के अंदर दोस्तों रखा गया है, ठीक है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा सी, बैसाखी, बैसाखी के उपलक्ष्य पर दोस्तों रोजगार पोर्टल जो है 2020-21 बजट के अनुसार जो लक्ष्य इसका रखा गया है वो शुरू होगा, और दोस्तों बैसाखी किस दिन बनाया जाता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है तो इसका आपको रिप्लाई कमेंट बॉक्स के अंदर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारों के लिए 2020 बजट के अनुसार बनाया जाएगा, बेरोजगारों के लिए दोस्तों बात की गई है 2020 बजट के अनुसार, और दोस्तों जल्द ही जो हम ये जो क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं इनकी पीडीएफ दोस्तों लगभग 1 या 2 घंटे बाद जो है आप इसके हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों इसका जल्द ही हम काम करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक एड कर देंगे, वहां से आप डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर सकते हो, तो दोस्तों जरूर थोड़ी देर बाद इसका लिंक चेक कर लें। और बेरोजगारों के लिए दोस्तों 2020 बजट के अनुसार बनाया जाएगा, ऑप्शन राइट रहेगा हमारा
डी दोस्तों बेरोजगार कॉल सेंटर जो है बनाया जा रहा है, यानी दोस्तों बेरोजगारों के हितों के लक्ष्य को भी दोस्तों इसमें ध्यान रखा गया है, ठीक है, ताकि रोजगार से रिलेटेड भी 2020-21 बजट के अंदर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए बजट के अनुसार कितने नए मेडिकल स्कूल खोले जाएंगे? ऑप्शन राइट रहेगा हमारा बी 3 दोस्तों, ठीक है, कैथल, यमुनानगर और सिरसा, जिसकी हमने थोड़ी देर पहले बात भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए बजट के अनुसार कितने आदर्श संस्कृति स्कूल खोले जाएंगे? ऑप्शन राइट रहेगा दोस्तों बी 119 दोस्तों राजकीय आदर्श संस्कृति स्कूल खोलेंगे, जिनमें दोस्तों अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई होगी और विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों इसी के आधार पर जो है निःशुल्क यातायात जो है सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर पर परिणामों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से किस कक्षा में बोर्ड परीक्षा शुरू की जाएगी? ऑप्शन सी दोस्तों राइट रहेगा, 8th क्लास के लिए दोस्तों विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर पर परिणामों के बढ़ोतरी के उद्देश्य से दोस्तों इस कक्षा में जो है बोर्ड की परीक्षा दोबारा से शुरू होगी, और दोस्तों कांग्रेस की सरकार में जो है इस बोर्ड को हटा लिया गया था, ठीक है, तो दोस्तों पिछला क्वेश्चन भी उठाया जा सकता है जो हमें एक टाइप से कवर करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए बजट के अनुसार कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएंगे? ऑप्शन सी दोस्तों राइट रहेगा, 24 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो इंटरनेट से जुड़े होंगे, ठीक है, हर कार्य उनसे रिलेटेड जो है इंटरनेट से होगा, ठीक है, नेटवर्क काम दोस्तों वहां पर किया जाएगा, तो राइट ऑप्शन दोस्तों बी रहेगा, 24 जो है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो है हरियाणा के अंदर खोले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए बजट के अनुसार किसानों को बिजली उपलब्ध होगी? तो दोस्तों 7 रुपए से घटाकर इसको माइनस कर दिया गया है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा बी 4.75 रुपए प्रति यूनिट की दर से दोस्तों नए बजट के अनुसार किसानों को जो है बिजली उपलब्ध करवाएगी सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले के एनसीआर की तरह विकास हेतु मुख्यमंत्री द्वारा अभिभाषण दिया गया? तो दोस्तों एनसीआर की तरह जिसका विकास किया जाएगा 2020-21 बजट के अनुसार दोस्तों ये कहा गया है, ठीक है, जिसका विकास जो है दिल्ली एनसीआर के तहत जो है तर्ज पर किया जाएगा, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा सी पंचकूला का विकास दोस्तों एनसीआर की तर्ज पर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 बजट पेश किया गया, हल्का सा क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन बी रहेगा, टेप से दोस्तों पहले सूट के अंदर बंद होता था हमारा जो बजट होता था, ठीक है, पन्नों पर लिखा होता था, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है दोस्तों, ठीक है, जो 2020-21 बजट जो है वो टेप से प्रस्तुत किया गया और हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है जो किसी राज्यपाल ने नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम ने जो है बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में बेसहारा पशुओं के नियंत्रण के लिए बजट में व्यय खर्च है? ऑप्शन सी दोस्तों राइट रहेगा, 50 करोड़, पहले 30 करोड़ था और इसको बढ़ाकर दोस्तों 50 करोड़ कर दिया गया है, तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है और हमें कवर करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ही रहेगा, किस जिले द्वारा फिडर नहर का निर्माण किया जाएगा? तो इसकी भी दोस्तों चर्चा बजट के अंदर की गई है, राइट ऑप्शन रहेगा हमारा ऑप्शन बी दोस्तों, मेवात फिडर नहर का जो है इस बजट के तहत जो है निर्माण किया जाएगा, इसके अंदर दोस्तों इसका भी जिक्र किया गया है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये थे दोस्तों हमारे 50+, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दोस्तों 1 या 2 घंटे बाद हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जो है इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लें और एग्जाम में जाने से पहले इसको एक बार स्टडी जरूर करके जाएं। तो दोस्तों ले लेते हैं कल की वीडियो में से एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देख लें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में मानव की सबसे पुरानी बस्ती कहां से मिली है? बताना दोस्तों आपको कॉमेंट बॉक्स में, फरीदाबाद से, अम्बाला से, हिसार से या फतेहाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बताना है, 8वीं व 12वीं शताब्दी के कुछ खंडर प्राचीन मंदिर कहां से मिले हैं? पिंजौर से, रोहतक से, कलायत से, उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों हमारा पिछला पार्ट आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लें, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है इसके अंदर अपडेट किए हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।